नेक्स्ट ओपन वी आर एस डालती हूँ, उसको फिर रिकरन है। तो इन दिस केस रिकरन मीन्स सो परसेंटेज ऑफ एनुअल इनकम। तो विच इज अचीव्ड बाय शेयर होल्डर। तो ओन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। तो फॉर दिस पर्पज ऑल्सो वी अप्लाई सेम मॉडल्स विच यू हैव डन इन इक्विटी वैल्यूएशन। लाइक नंबर वन मॉडल वी हैव डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। उसमें आपने देखा डिफरेंट केसेस के नंबर वन वाज इफेक्टिव कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। एज पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो बेसिक डेफिनेशन है, इस केस में क्या होता है, जैसे आप शेयर परचेज करते हैं 0 टाइम पीरियड में, आपकी मनी इन्वेस्ट हो रही है और फ्यूचर में आपको मिलते हैं डिविडेंड्स, यू गेट डिविडेंड्स इन फ्यूचर अप टू इंफिनिटी। अब आपको देखना है कि इन्वेस्टर को कितनी रिटर्न मिल रही है, तो उस रिटर्न को भी हम के ही कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन ये है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज ए गैट रेट ऑफ रिटर्न। ये एक ऐसी रेट ऑफ रिटर्न है एट विच, जिसके बेस पर यदि आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके फ्यूचर डिविडेंड्स की, एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स बिकम्स इक्वल टू, ये आपकी हो जाती है इक्वल टू करंट परचेज प्राइस, करंट प्राइस ऑफ शेयर। इट मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी की गैट रेट ऑफ रिटर्न एट विच यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स बिकम्स इक्वल टू करंट प्राइस ऑफ शेयर। तो ऐसे रिटर्न कैलकुलेट करनी है जिसको आर कहते हैं, कि प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड्स की प्राइस से इक्वल हो जाए। तो इसमें सब कॉन्स्टेंट डिविडेंड मॉडल में जब भी आपका डिविडेंड कॉन्स्टेंट होता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू होती है डी अपॉन के। तो डी को आप कैलकुलेट कर दो जो रिटर्न है उसके बेस पर, एंड गैट शुड बी इक्वल टू पी जी को। अब के ही आपकी मिसिंग है, तो वो आपके रिटर्न आ जाएंगे। इट मीन्स व्हाट इज रिटर्न, दिस इज डिविडेंड अपॉन प्राइस। इनको 100 कर दोगे तो वो परसेंटेज बन जाएगी। मिस वैल्यूएशन में क्या था, आपको के ही दिया हुआ था, तो हम डिविडेंड को कैलकुलेट करके उसका प्राइस निकाल देंगे। अब आपको प्राइस दिया है, के ही मिसिंग है, वो रिटर्न बन जाएगी आपकी। इसी तरीके से सेकंड है आपका, जब डिविडेंड में ग्रोथ होती है कॉन्स्टेंट, जनरली है वो कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल। उस केस में जो आपके डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, उसका फार्मूला है डी जीरो इंटू वन प्लस जी अपॉन के ई माइनस जी, क्योंकि शुद्ध कोई भी प्राइस ऑफ शेयर, जिसे कहा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स विच ग्रो एट कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट। अब इसको सोल्व करके के ही आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट के। तो उसके लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी जीरो इंटू वन प्लस जी अपॉन पी जीरो इक्वल टू के ई माइनस जी। तो के जी इधर चला जाएगा, तो उसमें के ई का फार्मूला बन जाएगा जी जीरो इंटू वन प्लस जी अपॉन पी जीरो जी को प्लस कर दो उसमें प्लस जी, ये आपके रिटर्न आ जाएगी। ये डिविडेंड इनकम है, इसको कहते हैं डिविडेंड से जो रिटर्न आ रही है आपकी, इसका नाम होता है डिविडेंड यील्ड। और जब आप शेयर को होल्ड करके हो जैसे इन डेफिनेट पीरियड के लिए, उससे जो कैपिटल गेन मिलेगा उसको कहते हैं ग्रोथ। तो ये ग्रोथ का मतलब गेन होता है कैपिटल गेन की जो इनकम है आपकी, जैसे कैपिटल गेन यील्ड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
जीरो में जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, वन प्लस जी, ये बन जाता है जी वन एक्सपेक्टेड डिविडेंड फर्स्ट ईयर का अपॉन प्राइस प्लस ही ग्रो, ये आपके रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगी। फिर ऐसे आता है आपका नंबर थर्ड केस है मल्टी ग्रोथ मॉडल। नेक्स्ट वी हैव मल्टी ग्रोथ मॉडल। अब चाहे वो टू स्टेज है या थ्री स्टेज है, जैसे थ्री स्टेज ग्रोथ है, जैसे आपके कुछ एम ईयर्स हैं ग्रोथ है आपकी 15%, आपको एन ईयर्स हैं ग्रोथ इज अगेन 10%, देन अप टू इन्फिनिटी आफ्टर एन ईयर्स ग्रोथ इज 6%, और आपके पास जी जीरो है फॉर एग्जाम्पल 3, और प्राइस ऑफ शेयर है आपका 20, और कई आपकी मिसिंग है। यहाँ भी डेफिनेशन सेम है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स शुड बी इक्वल टू पी जीरो। इसमें आपको टेबल ड्रॉ करना है, जैसे आप ले लीजिए 2 साल है एंड आपका 4 ईयर है, तो ईजी से हो जाते हैं, तो आप ड्रॉ कीजिए ईयर 1, 2, 3, 4 एंड देन इक्वल टू 4th एन ईयर, उसके बाद आपके डिविडेंड्स आ जाएंगे। तो 3 में प्लस कर दो 15% 2 साल की, ये डिविडेंड है आपके पास बी वन बी टू, फिर ग्रोथ ऐड करो 10% की बी थ्री बी फोर, फिर डी फोर आपको लेना है, इसको ग्रोथ ऐड होगी 6% की। अब कई मिसिंग है आपका 0.06। अब प्रेजेंट वैल्यू जब निकालेंगे उसके लिए भी आपको कई चाहिए, ये मिसिंग है, तो आपको यह करना है के ई को हम शॉर्ट टर्म मैथड अप्लाई करते हैं, शॉर्ट टर्म मैथड, ये होता है अप्रोक्सीमेट, इससे आपको के ई का आइडिया मिल जाएगा। के ई का फार्मूला ये है, वो डिविडेंड की परसेंटेज आ रही है आपकी, उसकी परसेंटेज निकालो कितनी है प्राइस के ऊपर, और जितनी भी ग्रोथ हैं उन सबका कर दो एवरेज, यानी एवरेज ग्रोथ। तो एक तरीके से ये आपकी बन जाएगी स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ के, फिर आप उसके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो कितनी बन रही है, डिविडेंड 3 है, प्राइस है 20 इंटू 100, और प्लस 3 ग्रोथ है आपके पास 15 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, उन सबकी एवरेज जिस 15, और ये एवरेज बन गई आपकी अप्रोक्सीमेटली 10 25% बन गया अराउंड की फिगर में। तो अब आप कॉल कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया पहला फैक्टर 25%, उसके बेस पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। देन यू मे ट्राई पी वी फैक्टर सपोज 30%, उसके बेस पर भी वैल्यू आ जाएगी। देन यू कैन इंटरप्लेस इन बिटवीन टू वीक टू वैल्यू, वो आपकी के ही आ जाएगी। ये था हमारा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। नेक्स्ट आता है आपका अर्निंग्स मॉडल। तो अर्निंग्स मॉडल आपका तब अप्लाई होता है जब डिविडेंड मेंशन नहीं किए, फिर सिंपल होता है फार्मूला के ई इक्वल टू ईपीएस जो कितनी है और उसकी परसेंटेज आ जाएगी प्राइस के ऊपर इनको होंगे, दिस विल बी अवर के ई रिटर्न ऑन इक्विटी। और एक चलता है इसके अंदर आपका होल्डिंग पीरियड यील्ड मॉडल, इट मीन्स जब आप शेयर को होल्ड करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस शेयर इज हेल्ड फॉर सम पीरियड एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद आप शेयर को सेल कर रहे हैं, आफ्टर दैट शेयर इज सोल्ड, सिर्फ आप सेल करेंगे। इसमें दो केस बना रहे हैं, यदि आपने एक ही साल के लिए होल्ड किया है तो किसी वन पीरियड यील्ड, तो एक साल में आपको कितनी रिटर्न मिलेगी, तो आपका ये टाइम सेल बन जाएगा। देखो जीरो पीरियड में आपने शेयर को परचेज किया, आफ्टर 1 ईयर आपको मिलेगा डिविडेंड और आप शेयर को सेल कर देंगे पी वन, पी वन है आपका सेल प्राइस। अब रिटर्न क्या है,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, डिविडेंड और सेल प्राइस है, एक शुड बी इक्वल टू पी है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे आप? वी वन प्लस पी वन, इसको डिवाइड किया आपने वन प्लस के ई, एक ही साल है आपका, दिस शुड बी इक्वल टू पी जे। इससे के ई आपका डिटर्मिन हो जाएगा, जो मिसिंग है क्रॉस मल्टीप्लाई वन प्लस के ई इक्वल टू वी वन प्लस पी वन अपॉन पी जे। सो वन विल गो हेयर, उतनी के ई वी वन प्लस पी वन अपॉन पी जीरो माइनस वन, उससे आपकी रिटर्न आ जाएगी इक्विटी की। पी जीरो आपने लिया एलसीएम, जैसे वी वन प्लस पी वन माइनस वी जीरो अपॉन पी जीरो। इसको आप सप्लिट भी कर सकते हैं गो पास में, गिलगन प्लस पी वन माइनस पी जीरो अपॉन पी जीरो एंड अपॉन पी जीरो। ये आपकी रिटर्न आ गई गिलगन, ये गिलगन की इनकम है, ये इसको रखें कैपिटल गेन, जिसे इनकम फ्रॉम डिविडेंड एंड जिसे जो कैपिटल ये। ये फार्मूला बन गया रिटायरमेंट इक्विटी का जब आप शेयर को होल्ड करके एक साल के लिए। पर फिर करो क्या, इन्वेस्टर ने शेयर को सेल किया 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, उस केस में आप कैसे निकालेंगे? देन वी कैन राइट दैट सेकंड केस इज शेयर इज हेल्ड फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, एन ईयर्स। तो मीन्स आप शेयर को परचेज कर रहे हैं जीरो टाइम पीरियड में, परचेज प्राइस है, फ्यूचर में आपको मिलेगा डिविडेंड अप टू एन ईयर्स, वी विल रिसीव डिविडेंड, और लास्ट में हम शेयर को सेल भी कर देंगे पी एल। तो इन सब की निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, जो भी फ्यूचर के डिविडेंड हैं, सो दैट इट इज इक्वल टू करंट प्राइस। तो आपको टेबल ड्रॉ करना है इसमें, तो ईयर वन टू थ्री अप टू एन, फ्यूचर बेनिफिट्स हैं आपकी डिविडेंड एवरी ईयर, और प्लस लास्ट में आपको मिलेगा सेल प्राइस। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं पी वी फैक्टर, जैसे 10% लिया आपने, यानी कि पी वी फैक्टर 15%। अब वो प्रेजेंट वैल्यूज आ जाएंगी और उसमें आप इंटरप्ले कर सकते हैं। इंटरप्ले का फार्मूला सेम ही है, तो आपकी देखो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, एक लो रेट है आपका, एक हाई रेट है। सो बस फार्मूला ऑफ के ई, बाकी जो लो रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट ए लो रेट माइनस पी जीरो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एट ए लो रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट अ हाई रेट इनटू हाई रेट माइनस लो रेट, दिस विल बी अवर रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसके फार्मूला सिंपल है, वैल्यूएशन से ही ड्राइव हो रहे हैं सभी फार्मूला। तो लेट्स स्टार्ट सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस। इन फर्स्ट केस वी आर गिवन एक्सपेक्टिव डिविडेंड पर शेयर इज 5, एक्सपेक्टिव डिविडेंड दिया है आपको, एक्सपेक्टिव डिविडेंड पर शेयर, इसको कहते हैं डी वन, मीन्स फर्स्ट ईयर के अंग में डिविडेंड है आपका 5 रुपीज। डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 6%, फिर आपको ग्रोथ भी है वो है 6%, एंड करंट प्राइस ऑफ शेयर इज 50 रुपीज। तो आपको फाइंड आउट करना है बाकी जो रिटर्न होने इसको फीस, आपको कितनी रिटर्न मिल रही है। तो आप फार्मूला अप्लाई कीजिए डिविडेंड के बेस पर, एक्सपेक्टिव डिविडेंड है तो बी वन फोन पी जीरो प्लस ग्रोथ, तो कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल अप्लाई हो जाएगा। डिविडेंड है आपका 5/50 प्लस ग्रोथ है आपकी 6%, जिसे 5/50 0.10 प्लस 0.06 0.16, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 16%। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर सेकंड, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी प्रेजेंट के लिए इज 150। तो आपको करंट प्राइस लिया है शेयर का पी जीरो, डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड अ ईयर हैंस 12, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया है आफ्टर वन ईयर, वी वन इज 12,
एंड डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% फॉर 5 ईयर। तो अप टू 5 ईयर आपकी जो ग्रोथ है डिविडेंड्स की, जैसे जो 10% एंड गेयर आफ्टर ग्रोथ विल बी 6%, उसके बाद हो जाएगी 6% आफ्टर 5। सो विच विल बी मेनटेन फॉर एवर, वट इज रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आपको के ई फाइंड आउट करना है। अगर कोई मल्टी ग्रोथ मॉडल है वो उसको करते हैं, तो आपको टेबल ड्रॉ करना है, उसके बेस पर आपकी रिटर्न कैलकुलेट होगी। तो आपको ये बनाना है आपकी जो ग्रोथ चल रही है, जैसे फॉर 5 ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर आप टेबल ड्रॉ कीजिए फॉर 5 ईयर, ईयर 1, 2, 3, 4, 5 अगेन अगेन 5, वट विल बी डिविडेंड। तो फ्यूचर में डिविडेंड फर्स्ट ईयर का दिया है 12, उसके बाद 10% ग्रोथ है आपकी 13.2, जिसे 13.2 प्लस 10% ग्रोथ 14.52, 5.2 प्लस 10% 15.97 प्लस 10% 17.57, फिर ग्रोथ आपकी कॉन्स्टेंट हो जाएगी 6%। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू P0 कैलकुलेट करेंगे हम। यानी कह कि डिविडेंड 17.57, ग्रोथ इज 6%, के ही आपका मिसिंग है -0.06, दिस शुड बी इक्वल टू P0 150। आपको P0 मेंशन किया है। तो अब जो कुछ स्टार्टिंग वैल्यू आपको लेनी है पहले, बकल स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ के, ये आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसका फार्मूला है कि डिविडेंड है उसकी परसेंटेज निकालो आप 150 × 100, और प्लस जो ग्रोथ है आपकी, ग्रोथ है आपकी पहले की 10%, फिर है आपकी 6%, उसका कर गो एवरेज, दो ग्रोथ है आपकी 10 प्लस 6 है, जिसे 1200 / 150 8 प्लस 8, तो जैकी 16%। अब आप 16% पे ट्राई कीजिए पीवी फैक्टर, तो यहाँ पे बुक कर दो 0.16, इट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो जिसमें जो बिकमिंग 17.57 इंटू 1.06, ये वैल्यू बन रही है जी आपकी 18.624 अपॉन के ए -0.06। तो इस केस में देखो बनेगी 18.624। अब आपने के लिए 16%, 0.16 -0.06, जिस वैल्यू जो 186.24, तो पहले हम ले रहे हैं जैकेट के 186.24, जैके सी पी वी फैक्टर 16% के ऊपर, फर्स्ट ईयर 0.862, सेकेंड 743, 641, 552, 476 एंड किसी आल्सो 476, ये आ गया आपके पीवी फैक्टर। जनवरी जो वैल्यू उसको कल भी मिल, इसीलिए आपकी प्राइजिंग वैल्यू आ गई। राइट, डिविडेंस को मल्टीप्लाई करके हैं पीवी फैक्टर से, 12 × 0.862, 13.2 × 0.743, 14.52 × 0.641, 15.97 × 0.552, 17.57, ये भी फिफ्थ ईयर में है और इसी में प्लस कर लेते हैं, प्लस 186.24 × 0.476, जिस टोटल वैल्यू इज कमिंग 135.29। आपने इसको करना है 150 के इक्वल, थोड़ा सा कम है इसको इंक्रीज करके, इंक्रीज के लिए इसको रिड्यूस कर रखनी है, तो
डिफरेंट ज़्यादा नहीं है, तो लेटेस्ट रिड्यूस बाई 3%, लेटेस्ट आई पी वी फैक्टर एट 13%। जब आप पी वी फैक्टर के ही चेंज करोगे ना 16 से 30%, तो ये वैल्यू भी चेंज होगी आपकी। तो पहले जो फॉर्म ने लिया था 16, अब इसको दोबारा कैलकुलेट करके 18.624 डिवाइडेड बाय 0.13 माइनस 0.06, तो अब ये वैल्यू बनेगी आपकी 18.624 डिवाइडेड बाय 7%, 266। तो नाउ इट इज 266.06.06। अप्लाई पी वी फैक्टर 13%, 1 डिवाइडेड बाय 1.13, 0.885, 783, 693, 613, 543, दिस इज ऑल्सो 543, 0.543 है फॉर गिस, उनको मछली ले कीजिए। तो इसकी जगह आपका अब ये आ जाएगा जो गिस विकेट गिस प्राइस उस 13% के लिए, उसे 12 इनको 0.885, 13.2 इंटू 0.783, देन 14.52 टाइम्स 0.693, 15.97 टाइम्स 0.613, देन 17.57 गेस प्लस गेस वैल्यू, ये भी 50 ईयर में है, 266.06 इंटू पी वी फैक्टर है दोनों का सेम 0.543। तो टोटल वैल्यू आपकी आ रही है ये वो 194.89। तो डिफरेंस हमने 3% भी ज़्यादा ले लिया है, आप 14% भी ले सकते हैं, ये तो थोड़ा सा ये और 150 के आस पास आना था, तो नो प्रॉब्लम 3% के चलते हैं। अब आप इंटर प्ले कीजिए, अब आपकी के ई आ जाएगी इसमें, तो बटे जो वैल्यू ऑफ के ई, तो लो रेट 13%, प्राइसिंग वैल्यू 13%, 194.82, और आपको इसको करना है 150 के नीचे आएगा इन दोनों में डिफरेंस, तो माइनस 135.29, 59.53, और डिफरेंस आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3%। तो दिस इज 44.82 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 59.53 प्लस 13, 15.26%, ये आपकी आ गई रिटर्न ऑन इक्विटी। नेक्स्ट लेट अस सी अवर प्रॉब्लम नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन, डिविडेंड पर शेयर एंड प्राइस पर शेयर गैटा ऑफ एन इक्विटी स्टॉक ओवर पास्ट 6 ईयर इज गिवन बिलो। तो आपको एक गैटा दिया है 6 ईयर का, तो ईयर इज गिवन 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो फॉर का पास्ट 6 ईयर डिविडेंड पर शेयर इज गिवन एंड मार्केट प्राइस, और एक आपको प्राइस दिया है ऑफ शेयर प्राइस इन बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, डिविडेंड है आपका 1, 1, 1.2, 1.25, 1.15, 1.30, प्राइस ऑफ शेयर 9, 9.75, 11.5, 11, 10.6, 12.5, तो आपको फाइंड करनी है रिटर्न ऑन इक्विटी, गेट रिटर्न ऑन इक्विटी बाय रियलाइज्ड यील्ड मेथड। रियलाइज्ड यील्ड होता है होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड यील्ड मैथ। इस केस में आप शेयर को सेल कर देंगे कुछ टाइम के बाद, तो कितना टाइम जो भी डाटा लिया है ईयर के बेस पे, इसमें जो एक चीज़ है डिविडेंड लिखा है
यहाँ लिखा है ईयर वन टू, ये ईयर एंड माना जाता है, तो डिविजन तो साल के एंड में है, बट जो प्राइस इन्होंने लिखा है बिगनिंग में है। तो पहले हम इसको करेक्ट करते हैं, फिर आपको ईजी रहेगा। तो लेट अस राइट ईयर, तो वन का बिगनिंग होता है जीरो, यानी वन ईयर, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। आप लिखिए डिविजन पर शेयर, तो फर्स्ट ईयर में वन वन, 1.2, 1.25, 1.15, ये को ठीक है। अब प्राइस को करेंगे हैं बिगनिंग, तो फर्स्ट ईयर का बिगनिंग होता है जीरो पीरियड, तो इसमें इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये सेकंड ईयर का बिगनिंग हो गया, फर्स्ट ईयर का आएंगे 9.75, 11.5, 11, 10.60, 9.5। इट मीन्स जो सिक्स्थ ईयर का बिगनिंग है वो प्राइस है फिफ्थ ईयर के एंड का। तो इसमें हम कह सकते हैं आप जीरो पीरियड में शेयर को परचेज करोगे, ये बन गया पी जीरो, और फिर आप 5 साल के बाद इसको सेल कर दोगे, ये बन गया पी फाइव, या फिर सेल प्राइस। रिलाई ईल्ड मीन्स या होल्डिंग पीरियड ईल्ड मीन्स, तो शेयर 5 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं, उसकी रिटर्न हमें कैलकुलेट करनी है। उसमें सब उसका डाटा बताते हैं 5 साल का, आप टेबल ड्रॉ कीजिए। उस केस में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पी जीरो, आपके पास है 9। अब फ्यूचर में आपको डिविडेंड मिलेंगे आने वाले 5 सालों के, तो ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आप देखो फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, बेनिफिट जिसको कैश फ्लो कहते हैं या रुपीज में, डिविडेंड मिलेगा फर्स्ट ईयर में मिलेगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मिलेगा, फोर्थ ईयर मिलेगा, फिफ्थ ईयर मिलेगा। अब फिफ्थ ईयर के एंड में शेयर को सेल कर दिया आपने, सेल प्राइस मिला 12.5, इसका जो है सिक्स्थ ईयर का डिविडेंड हमें नहीं मिलेगा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने 9 के इक्वल करनी है। तो रिटर्न किराए से कर सकते हो, तो ये बन रहा है टोटल आपका 13.65। तो पी वी फैक्टर लेटेस्ट टाल को 10%, नॉर्मल एग्जम्पशन होती है, आप 10% से शुरू कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ मेंशन नहीं किया, इतनी रिटर्न आपको मिलेगी, तो ये सिर्फ गैस होता है हमारा। तो 10% पे आप कैलकुलेट कीजिए पी फैक्टर, 909826751683621 वैल्यू टोटल आपने इसको 9 के इक्वल करना, तो 1 इंटू 1, तो 1.2 इंटू 0.751 प्लस 0.826 प्लस 0.909, 3 साल के हो गए, 1.25 फोर्थ ईयर का डिविजन इंटू 0.683 गैन 13.65 इंटू 0.621 टोटल वैल्यू आ रही है, जो आपकी 11.967। काफ़ी ज़्यादा है, रिड्यूस करना है तो उसको इंक्रीज कर रखे हैं, लेटेस्ट आई पी वी फैक्टर 15%, आप 13% भी ले सकते हैं, 1/1.15, 0.87 7 5 6 6 5 8 5 7 2 2 4 9 7। वही प्रेजेंट वैल्यू, तो थर्ड ईयर का डिविजन है 1.2 इंटू 0.658 प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.87 प्लस 0.756, इसमें देन फोर्थ ईयर की डिविजन 1.25 इंटू 0.5, देन 13.65 इंटू 0.497 टोटली 9.915। जैसे स्टिल हायर यानी और रिड्यूस करके हैं, तो लेट अस ट्राई मे बी एट 17%, पॉइंट 855, 731, 624, 534 एंड 456। वही तरह वैल्यू 1.2 इंटू 0.624
एंड गेन 0.731 प्लस 0.855 1.25 इंटू 0.534 13.65 इंटू 0.456 पब्लिक 9.23। उसके लिए कोई हायर तो आप और ट्राई कर सकते हैं, मे बी अराउंड 18%। इन पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 9, तो उसमें वी कैन से KE = 18%। अगर भाई आप इंटरप्रेट कर सकते हैं तो और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑन इक्विटी रिटर्न।